दोस्तों न्यूज तो आपको पता चल ही गया होगा कि अब जियो आईयूसी चार्ज करेगा, मतलब जो भी आपका एग्जिस्टिंग प्लान है जियो के अंदर उसके अलावे भी आपको छोटा टॉप अप कराना होगा अगर आपको किसी अनदर नेटवर्क पे कॉल करना है। तो ये आईयूसी चार्जेस क्या होते हैं, क्या इन फ्यूचर एयरटेल वोडाफोन आइडिया जैसे अनदर ऑपरेटर में भी आपको आईयूसी चार्जेस देने पड़ सकते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आईयूसी जिसका अगर आप फुल फॉर्म निकालते हैं तो इंटरकनेक्ट यूजर्स चार्ज, तो जैसा कि आपको फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है इंटरकनेक्ट मतलब दूसरे से अगर कनेक्ट करते हैं तो उसका जितना यूज होता है उसके हिसाब से चार्ज देना होता है। तो ये चार्ज एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को देता है, जैसे अगर हम जियो से एयरटेल में कॉल करते हैं तो जियो वाले को एयरटेल वाले को कॉल करना होगा हम जितने देर बात करते हैं एयरटेल के सिम पर। तो ये यूजेस चार्ज जो भी था वो जियो अब तक खुद से ही पे कर रहा था। अब तक आईयूसी चार्ज 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर को देना होता है। इस हिसाब से जियो अब तक 13,500 करोड़ से भी ज्यादा अनदर ऑपरेटर को दे चुका है आईयूसी के नाम पर। मतलब जियो को देना पड़ता है एयरटेल वोडाफोन आइडिया इन सबको देना पड़ता है चार्ज, क्योंकि जियो के पास ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कस्टमर बेस है। तो जियो के कस्टमर ज्यादा से ज्यादा दूसरे नेटवर्क पे कॉल करते हैं तो बहुत सारा पैसा जियो को देना पड़ता है किसी अदर ऑपरेटर को आईयूसी के नाम पे। अब जियो का कहना है कि यार हम इतने सारे पैसे तो नहीं दे सकते। ट्राई ने कहा था कि ट्राई का अभी स्टेटमेंट आया है, इससे पहले स्टेटमेंट क्या था ट्राई का कि अब जो January 1, 2020 के बाद में जो भी आईयूसी चार्जेस है मतलब एक ऑपरेटर जो दूसरे ऑपरेटर को कॉल करने के लिए पैसे देता है ये बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। लेकिन अब ट्राई के ऊपर जब दबाव पड़ा है वोडाफोन एयरटेल आइडिया ने कहा कि यार हमारे जो अर्निंग होती है हमारे पास कस्टमर तो कम है लेकिन आईयूसी की वजह से हमें जियो की तरफ से या किसी अनदर ऑपरेटर की तरफ से जो अर्निंग होती है वो तो हमें घट जाएगी। तो उसके वजह से जब एयरटेल वोडाफोन आइडिया ने ट्राई के ऊपर दबाव डाला तो ट्राई का कहना है कि अब हम इसके बारे में सोचेंगे, यहाँ पे January 1, 2020 के बाद में ये डायरेक्टली फ्री नहीं कर दिया जाएगा आईयूसी, इसके बारे में हम सोचेंगे। तब जियो को यहाँ पे लगा कि नहीं अब हमें आईयूसी चार्जेस लेने होंगे क्योंकि इन फ्यूचर हमेशा तक तो हम आईयूसी चार्जेस खुद से पे नहीं कर सकते। आप देखेंगे एयरटेल वोडाफोन आइडिया के जो भी प्लान्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं कंपेयर टू जियो, तो जियो के प्लान्स में आपको आईयूसी चार्जेस नहीं होते लेकिन अब आपको आईयूसी चार्जेस एक्स्ट्रा देने होंगे जियो को भी। तो प्लान दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे लगभग, लेकिन आपको जियो में डेटा जैसा कि आप जितना के अभी प्लान लेते हो आप जितना के अभी आईयूसी चार्ज के लिए टॉप अप कराते हो उतने का आपको डेटा भी जियो दे रहा है। तो ये है आईयूसी, मतलब एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में अगर कोई कॉल करता है तो उसके लिए उसको चार्ज देना होता है। तो ये होता है आईयूसी चार्जेस। अगर आपको एयरटेल से जियो में कॉल कर रहा है कोई तो एयरटेल वाले को जियो को भी देना होगा, लेकिन जियो का कहना हमारे पास कॉल कम आते हैं और कॉल ज्यादा किए जाते हैं इस वजह से जियो को आपको कुछ आईयूसी चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं। तो अब इन फ्यूचर हो सकता है कि जो अनदर ऑपरेटर से वो भी आपको एक्स्ट्रा कुछ चार्ज करे आईयूसी के नाम पे। वैसे तो अनदर ऑपरेटर के जो भी प्लान है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही होते हैं लेकिन हो सकता है कि वो कहे ना हमें जो प्लान है उसमें भी आपको आईयूसी देकर और भी एक्स्ट्रा देना होगा, हो सकता है ऐसा कह भी दे। तो जियो का जो भी प्लान है अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है जहां की अनलिमिटेड कॉल कर पाएंगे अनदर नेटवर्क पे, आप जितना ज्यादा अनदर नेटवर्क पे कॉल करेंगे उसके हिसाब से आईयूसी के लिए आपको टॉपअप कराना होगा, ये करंट प्लान है जियो का। तो ये है आईयूसी, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा आईयूसी क्या होता है, कैसे एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को पैसे देता है। हालांकि ये ट्राई चाहे तो हटा सकता है, अब ये ट्राई के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या डिसीजन लेता है। अगर यहाँ पे आईयूसी हटा देता है तो जियो का जो एक्स्ट्रा चार्ज देने वाला सिस्टम जो लगाया गया या तो अनदर ऑपरेटर का वो भी अब कम हो जाए, धीरे धीरे अब खत्म भी कर दिया जा सकता है। तो एक बिल्कुल ट्राई के ऊपर डिपेंड करता है। होप कि आपका आईयूसी के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है रेड वाले बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिए। थैंक्स फॉर जी गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।